वैदिक साहित्य संहिता संस्कृत साहित्य के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो टॉपिक है वेद क्या होते हैं, वेद का अर्थ, संहिता जैसे चारों वेदों के बारे में, संहिता चार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, इसी के बारे में इसमें बताया जाता है। वेद 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 शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद जो होता है उसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद परम प्रमाण अर्थात आगम या शब्द प्रमाण में उत्कृष्ट है, शब्द प्रमाण में उत्कृष्ट होता है। वेद मीमांसकों ने कहा है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से हम जिस उपाय या ज्ञान को नहीं पा सकते उसे वेद बता सकता है। वेद से हम ज्ञान को पता लगाते हैं, अर्थात वेद ज्ञान के समस्त उपायों में श्रेष्ठ है। वेद जो है समस्त उपायों में श्रेष्ठ है। वेद के वह ज्ञान मिलता है जिसे प्राप्त करने के लिए अन्य कोई साधन इस जगत में नहीं है। तो जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं वो वेद के ही द्वारा संभव है। प्राचीन परंपरा में वेद के अंतर्गत मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग निहित हैं। मंत्र उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करके यज्ञ यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है और जिसमें यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं की स्तुति की जाती है। मंत्र जो होता है वो स्तुति करने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए गाए जाते हैं, अनुष्ठान किया जाता है उनका। प्राचीन काल से लेकर आज तक वेद वांगम संपूर्ण विश्व को विविध उपदेश देता आ रहा है। वेद वांगम जो है संपूर्ण विश्व को उपदेश देता आ रहा है, ज्ञान देता आ रहा है। वेदों से लोग अपने जीवन को, जीवन दर्शन को संचालित करते हैं। वेदों के द्वारा अपने जीवन को संचालित करते हैं क्योंकि उसमें ज्ञान की बातें होती हैं, तो लोग उसे पढ़ते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। वेद भारतीय धर्म के उत्स हैं। मनु के अनुसार ये वेद सभी ज्ञान या ज्ञानों के अक्षय कोष हैं। अक्षय कोष मतलब होता है कि इसमें सभी ज्ञान निहित है। भारतीय धर्म में वेदों को इतना महत्व दिया गया है कि ईश्वर की निंदा सहा है किंतु वेद की निंदा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय धर्म में लोग वेदों को इतना भगवान से भी ऊपर मानते हैं, वेदों की निंदा लोग नहीं सह सकते। वेद चार होते हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, और संहिता भी चार होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्वेद संहिता। तो वेद चार होते हैं और संहिताएँ भी चार होती हैं। बात करते हैं संहिता क्या होती है। जी संहिता क्या होता है, वो जैसे मंत्र जो होते हैं उनका संग्रह, जहाँ एक जगह मिलते हैं मंत्र सारे, उसे संहिता कहते हैं। तो ऋग्वेद संहिता में भी मंत्र हैं, यजुर्वेद संहिता में भी मंत्र है, सामवेद संहिता में भी मंत्र हैं, अथर्वेद संहिता में भी मंत्र है। मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। वेद क्या होता है, वेद से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और मंत्र से क्या किया जाता है, मंत्र से देवताओं की स्तुति की जाती है, यज्ञ यज्ञादि में उनका अनुष्ठान किया जाता है, और मंत्रों का संग्रह क्या है, संहिता कहलाता है। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत साहित्य में, वैदिक साहित्य में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आता है, पूछता है, कहीं पर भी आप जाएंगे यही पूछता है।